आप देख रहे हैं केवल सच। हम मेरा तो खैर परिवार ही खत्म हो गया पूरा, मेरा तो कोई बचा ही नहीं। शादी विवाह जो भी मेरे पापा जल्दी सामान जो भी जेवर वेवर दिए थे सामान वामान था सारा मेरा रूम तो लास्ट तक। हम अश्विनी चौबे जी को कहें कि आप सर मेरा रहने का कोई जुगाड़ कर दिए, उन्होंने मेरा ऑफिस हॉस्पिटल में कह दिया कि इसको डिस्चार्ज में तो यहीं फिर मैं तो मेरा सारा सामान रह चुकी हो गया, ऊपर से मेरा ये हालत है, इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है क्या हाँ मुझे अच्छा से अच्छा जॉब दिलवाए और बेहतर इलाज करवाए और जो भी मेरा क्षति हुआ है वह हम आपको दें। नमस्कार, मैं हूँ सागर कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आज हम पहुँच चुके हैं भागलपुर जिले के टटारपुर स्थित काजवली चौक में। मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा कि दिखाएं ये पीछे का जो मंजर है ये वही जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले भयंकर विस्फोट हुआ क्योंकि भागलपुर ब्लास्ट के नाम से जाना गया और लगभग 15 लोगों की मृत्यु इसी जगह पर हो गई। 15 लोगों की लाश इस स्थान पर से निकली है और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। अभी तक बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, स्थानीय विधायक पहुंचे हैं और कई नेता जैसे कल चिराग पासवान भी यहां आए थे, लेकिन बिहार के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी है वो यहां तक नहीं पहुंचे हैं। यहां घायलों की सुध लेने के लिए या क्या हुआ है उस स्थिति की जानकारी लेने के लिए नीतीश सरकार के न कोई मंत्री पहुँचे हैं, न खुद नीतीश कुमार पहुँचे हैं, न नीतीश सरकार के बड़े कोई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ लोकल लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहीं के हैं सर आप? कोई हैं आसपास के लोकल? आप लोग घटना की जो स्थिति जानकारी बता सके या ऐसे ही आम भागलपुरी नागरिक होने के नाते क्या लगता है ये जो घटना है इस तरह की? हम बाहर का है तो इस घटना के विषय में कोई भी ज़्यादा बात करने से टकरा रहा है, आसपास के लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की लेकिन सीधे सीधे कोई भी इस घटना के विषय में ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाह रहा है। लेकिन हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना बड़ा ब्लास्ट, कितनी जान माल की क्षति हुई थी, आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा ये दिखाएं कि कितना बड़ा दुर्घटना हुआ होगा कि ये पूरी तरह से ये बिल्डिंग धराशाही हो गई, ये पूरा आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ कर भी हम दिखाना चाहेंगे, अभी पुलिस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है इसलिए इस वजह से हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे कि चारों तरफ जाके दिखाने की कोशिश करें कि ये कितना बड़ा, और ये पहली बार नहीं है, पिछले कई बार यहाँ पे इस तरह के छोटे बड़े घटना, छोटे बड़े ब्लास्ट हो चुके हैं। बगल में ही DSP साहब बैठते हैं, बगल में कोतवाली, भागलपुर कोतवाली थाना है बगल में, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं थी और अचानक रात को 10 या 10:30 बजे का करीब ये घटना घटती है। पहली बार आप देख रहे हैं घायल स्पोर्ट से घायल जो यहाँ से कई तरह का मलबा बरामद हुआ, उस मलबे में भी एक व्यक्ति की आधी लाश बरामद हुई। कुल 14 मृतक यहाँ से पाए गए थे और बाद में फिर एक मृतक का बॉडी मिलने के बाद कुल मृतकों की संख्या यहाँ से 15 हो गई। स्थानीय विधायक आए हैं, कई नेता भी आए हैं, लेकिन स्थानीय जो मेयर है, जो मेयर साहिबा है यहाँ की, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ना कोई मंत्री पहुँचे हैं और ना ही नीतीश कुमार जी पहुँचे हैं। हम लोग मायागंज हॉस्पिटल में आए हुए हैं और उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं जो भागलपुर बम ब्लास्ट में जिनके पूरे परिवार बिखर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, जो बेड पर पड़े हुए हैं, आज हम उनका दुख दर्द समझने के लिए आए हुए हैं, उनको देखने आए हुए हैं कि किस प्रकार उनको इलाज मिल रहा है, किस प्रकार उनको मुआवजा मिल रहा है। अभी हम लोग मायागंज के ऑर्थो विभाग में हैं, 72 नंबर बेड पर श्रवण कुमार जी हैं, उनकी पैर की यहाँ आप देख रहे हैं पैर की हड्डी टूटी हुई है। कैमरा पर्सन से आग्रह करेंगे और पास आ जाएं, इनकी हड्डी टूटी हुई है और ये देखिए किस तरह से सोए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस। इनके घर के आपके घर के बात करना चाहिए, अभी आप कम्फर्टेबल हैं घर से क्या नाम होता है? श्रवण कुमार जी, मैं आपके दुखों को पुरेदना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हम मीडिया से हैं, हमारी मजबूरी है कि सच हम दिखाना चाहते हैं। क्या हुआ है? तीन तारीख को आठ ठहर गए थे प्लेट धोने के लिए,
उसके बाद अचानक से बम धमाका हुआ, घर गिरा, क्या हुआ, तुरंत फिर बेहोश ही हो गए थे। जब हमको होश आया तो हम हॉस्पिटल में ही थे। फिर बाद में सब जानकारी हुआ कि परिजन लोग और सब बताए कि इतने मेरे घर के 10-12 सदस्य भी घायल हुए हैं, खास करके मेरे पापा और भाई को तो डेथ ही कर गया। कितने लोगों की डेथ हुई आपके घर में? मेरे पापा और भाई, यही दो डेथ हुए। आपके पिताजी और भाई जी? आसपास के कुल 15 लोग की डेथ हुई है। हाँ, आसपास का हुआ है, पर मेरे घर में मेरा पर्सनल मेरे पिताजी और भाई ही दोनों जी डेथ हुए। आज उन लोगों का दस्कर्म करके भी आप लौटे हैं? जी जी जी। आपको पैर में चोट लगा? जी, पैर में, दाहिना पैर में सबसे। अभी तक आपसे मिलने के लिए कौन कौन लोग आए? शहनवाज हुसैन आए हैं जी, और चिराग पासवान, राजेश वर्मा और अश्वनी चौबे जी भी आए हैं, और भी सांसद वगैरह भी आए थे, कहलगांव, नालंदा और तिरपैंती के। जदयू से? जदयू के कोई आए हैं? जदयू से कोई, जदयू कोई नेता या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री? जदयू से तो अभी तक शायद कोई नहीं आया। या कोई बड़े अधिकारी? नहीं, ऐसा तो कोई हमको अभी तक नहीं मिला है। अभी तक आपके इलाज वगैरह कोई ठीक ठाक चल रहा है? सब सही है, इलाज ठीक ठाक ही चल रहा है। कुल कितने लोग लगभग आसपास के मिला के आपके यहाँ पे कितने लोग भर्ती हैं अभी? अभी सबसे जहाँ मैं हम रहते थे वहाँ पर मेरे रूम के ऊपर बड़ी मम्मी का रूम था। अच्छा। तो ऊपर का जो मंजिला पूरा ढलाई वगैरह सब गिरा ना, तो हम मेरा तो खैर परिवार ही ख़त्म हो गया पूरा, मेरा तो कोई बचा ही नहीं। बड़ी मम्मी और भाभी लोग, भैया और 2 साल की भतीजी वैष्णवी, यह सब जख्मी हुए थे, तो उन लोगों को डिस्चार्ज हो गया। बस भाभी जी अभी 61 नंबर बेड पर, थोड़ी ज़्यादा वो सीरियस, उसका ऑपरेशन होना है। ऑर्थो में ही है? ऑर्थो में ही है, 61 नंबर बेड। हाँ, उनका ऑपरेशन होना है, इसलिए वो थोड़ा सा सीरियस है। बाकी हम थोड़ा पैर के वजह से थोड़ा मजबूर है। मुआवजा के नाम पर क्या मिला है अभी तक? आश्वासन, सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं। जितने भी नेतागण आए या फिर जो भी सरकारी अधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई भी आया, सिर्फ आश्वासन दे के चला गया, इमीडिएट कोई मदद नहीं किया। क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि जैसे मेरे हालात हैं, जैसे अभी मेरे पिताजी और भाई का मृत्यु हो गया, तो इस कंडीशन में कम से कम हमको घर में श्राद्ध करना चाहिए था। घर अब टूटा है तो कहाँ, पड़ोसी के यहाँ से श्राद्ध नहीं कर सकते, ना रोड पर भी श्राद्ध कर सकते हैं। अब तुरंत हम कहाँ से करें? अब मेरा सारा पैसा वगैरह सब मलबा के नीचे दबा हुआ, सामान वगैरह सब, इमीडिएट हम कहाँ से क्या चीज़ करें? लेकिन फिर भी हम अपने दोस्त रिश्तेदार जो बचे खुचे उन सबसे पैसा लेकर के अब अपना गुजारा भत्ता जो भी कर रहे हैं। अभी बाकी परिवार सब पड़ोसी के यहाँ ही ठहरे हुए हैं, वहाँ पर भी अभी श्राद्ध कर्म भी हमको घाट के किनारे ही करना होगा। लेकिन प्रशासन अगर कुछ, जैसे अभी 10-12 दिन हो गया, अगर प्रशासन चाहता तो तुरंत एक्शन लेकर के कुछ ना कुछ हम लोग को प्रबंध कर सकता था, पर बस वही है, सरकारी काम है, धीरे धीरे होगा, तो धीरे धीरे होगा तो मेरा तो ज़िंदगी उतर गया ना, मेरा तो ख़त्म हो गया सब चीज़, मेरा तो कोई नहीं बचा, तो अब हम क्या करें? तो धीरे धीरे का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक हम भीख मांगे, तब पड़ोसी मेरा ठेका थोड़े लेके रखा है। हम अश्विनी चौबे जी को कहें कि आप सर मेरा रहने का कोई जुगाड़ कर दिए, उन्होंने मेरा ऑफिस हॉस्पिटल में कह दिया कि इसको डिस्चार्ज मत दो, यहीं ठहरने दो, वो तो मेरा रहने दिए, बाकी परिवार सब कहाँ ठहरेंगे? वो भी आके हॉस्पिटल में ठहरे, तब हॉस्पिटल तब मेरे पूरा भर जाएगा मेरे परिजन से, तब और पेशेंट को भगा दिए तब। कितने लोग कुल भर्ती हैं आसपास मिला के, लगभग कितने लोग भर्ती होंगे? अभी फिलहाल हम हैं और भाभी जी, एक आपके परिवार के, दूसरे परिवार के भी, दूसरे परिवार में एक था नवीन मंडल, वो उनको शायद पटना ट्रांसफर कर दिया गया, स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। हाँ, उसका स्थिति था ज़्यादा। एक सिलीगुड़ी किन्हीं को भेजा गया था? वो शायद डेथ कर गई, डेथ कर गई। हाँ, ऐसा शायद जी, वो डेथ कर गई। अच्छा, जिनके घर में ये ब्लास्ट हुआ उनके घर में बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह के ब्लास्ट हुए हैं। हाँ, आप लोग की जानकारी में था? पहले भी वो जो है ना, बाप दादा जमाने से ही वहाँ लहसुनिया बम बनाने का कारोबार चल रहा था, लहसुनिया बम बनाते हाँ। थे, लेकिन कोई गैर कानूनी, मतलब बड़े बम ब्लास्ट नहीं था, मतलब बड़ा बम भी बनाते थे? आप लोग को कोई ऐसी जानकारी थी कोई बड़ा बम भी बनाते थे या केवल पटाखे वाले बम ही बनाते थे?
मेरी जानकारी के अनुसार तो लहसुनिया को ही बनाते थे, कभी हम उसको पड़ोसी के घर में कभी झांक के थोड़ी देखे हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। जो अभी कोर्ट में सिलेंडर किए हैं मोहम्मद आजाद जी, हाँ वो जो है ना लीलावती का पहले मकान था वो उनसे खरीद लिए थे, उनका मेन काम था वो लोहा बिल्डिंग वगैरह का। उनके घर में मतलब उनके घर के सारे लोग डेथ कर गए? हाँ वो पूरा डेथ कर गए। अच्छा जो आवाज़ हुई गूंज, तो गूंज आपने सुनी थी? हमको आप उस समय बाहर थे? नहीं बाहर नहीं थे हम, रूम के बाहर जस्ट प्लेट ढूंढने ठहरे थे, पापा और भाई तो अंदर ही चले गए थे रूम के अंदर। तो बस उस दौरान क्या हुआ क्षण भर भी उनको कुछ याद नहीं, क्षण भर का कुछ ध्यान है, तुरंत पूरा मतलब हमारा आधा बॉडी तो मेरा मलबा के नीचे था, जो मैं सिर्फ छाती और सर बाहर। कितने देर बाद वहाँ पे, कितने देर बाद लोग सहायता के लिए पहुँचे? हम तो चूँकि बेहोश थे हमको आपको जानकारी नहीं था, पूरा मोहल्ला वाला सब आया होगा। माता जी से हम लोग दो मिनट बात करेंगे। माता जी एक माता के तौर पे आपके, आप ज़्यादा तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, बस ये जानकारी आपसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार जी, अगर आपके इस वीडियो को देखेंगे आप क्या आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से? सर मेरा घर परिवार सब रोड पर है, घर क्या हुआ था एग्जैक्ट उस समय, हुआ क्या था? वही जब आवाज़, आप कहाँ थी? हम तो तीन मंजिल पर थे, तीन मंजिल झंझर झंझर का आवाज़ सुने, क्या होता नीचे आए बेहोश हो गए थे, मतलब कुछ जा रहा है बेहोश होते जा रहा है, कुछ जा रहा है बेहोश होते जा रहे हैं, क्या हो एक बेटा मेरा इससे भी बड़ा था, वो बोला कि माँ, एक बेटी बोली माँ छोटे खत्म हो गए डायरेक्ट, एक माँ क्या कर सकते उसका माथा क्या कम करेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई परेशानी है? यहाँ इलाज हो रहा है अच्छे से? आपको रहने के लिए अपना श्राद्ध कर्म करने के लिए व्यवस्था चाहिए, नेता को आए हैं आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। सुनी गई जितने भी हमसे मिलने आए सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं अच्छा से अच्छा इलाज करवा, क्योंकि इस हम यहाँ की बहू है, बहू है, इस घटना के बारे में हमें पहले पता नहीं था कि हमने का कोई भी ऐसा कारोबार होता है, और तीन साल की मेरी छोटी बच्ची है, 25 माह से मेरा पीजी का एग्जाम था, और हिस्ट्री ऑनर्स पेपर मेरा हिस्ट्री है, हम आगे पढ़ाई करना चाहते थे जो वो करना चाहते थे, इसलिए पढ़ाई आगे सोचे एग्जाम देने के लिए, मेरा ये दुर्घटना हो गया, और शादी विवाह जो भी मेरे पापा जल्दी सामान जो भी जेवर वेवर दिए थे सामान वामान था सारा मेरा रूम तो ब्लास्ट कर गया, और मेरा सारा सामान दाई क्षति हो गया, ऊपर से मेरा ये हालत है, इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है क्या हाँ मुझे अच्छा से अच्छा जॉब दिलवाए और बेहतर इलाज करवाए, और जो भी मेरा क्षति हुआ है वह हम आपको दे। किस कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? हम सहरसा से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मायके से वहीं से हम फॉर्म भरे थे, 25 से एग्जाम था मेरा, इस स्थिति में हम ठीक ढंग से ना पा रहे हैं, पैसे एग्जाम की परीक्षा है 3 साल की, उसके लिए भी हम तड़प रहे हैं। बच्ची कहाँ है आपकी? बच्ची नहीं है घर पे। इलाज वगैरह में कोई समस्या, यहाँ पे कोई समस्या आपको तो नहीं हो रहा? नहीं, वहीं रहने के लिए कोई लड़ी को है ना भैया जी, उन्हीं के यहाँ मतलब जितने भी फैमिली में सब मेरे ससुर 5-6 भाई थे, वो सब उन सभी को वहीं आसरा मिला है, हम तो यही है उस दिन से ही रात में, और मैं सिर फटा हुआ है 5-6 स्टिक जो है सिर में लगा हुआ है, पूरा इस तरह का चोट देखिए, इस तरह का चोट है, इस तरह का इसमें ये पैर डैमेज हो गया, मतलब टूट गया यहाँ, और ये यहाँ भी टूट गया है। दोषियों पे कार्रवाई मैम? दोषियों पे कार्रवाई करें तो आप ये सब पे कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम लोगों का स्थिति इसी तरह रहेगा, और मेरा जो भी कुछ हुआ हम कैसे जिएंगे अगर भगवान हमको छोड़े हैं इस तरह। माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप आग्रह कर रहे हैं? हाँ नीतीश कुमार जी से मेरा यही कहना है कि हमको इस सभी
उपलब्ध कराए। देखिए ज़्यादा बातचीत तो उनसे नहीं कर पाएंगे, इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। हम इतना ज़्यादा गंभीर यहाँ पे जो लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर है। भागलपुर बम ब्लास्ट में ये लोग किन्हीं का हाथ टूट गया है, किन्हीं का पैर टूट गया है, ये लोग घर इन लोगों का टूट गया है, कई लोग इनके परिवार के मर गए हैं। इन लोगों के पास बहुत सारे नेता और अधिकारी भी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। बिहार सरकार से हम ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इनके रहने की व्यवस्था, इनके घर की व्यवस्था, इन्हें मुआवजा की व्यवस्था त्वरित की जाए। हमने उनसे बात की, काफ़ी दर्द भरी वो बातें, उन काफ़ी मार्मिक कर देने वाली, रोआ को खड़ा कर देने वाली बातें उन्होंने कहा, और एक ही बात उन्होंने खुलकर स्पष्ट रूप से कही कि उनसे मिलने के लिए तो बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे अधिकारी आए, बहुत सारे मीडिया आए, लेकिन सबने आश्वासन दिया, सबने वादा किया, लेकिन अभी तक उनके वादा को पूरा करने वाला कोई नहीं है। अभी तक मुआवजा के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिला है। इस स्थिति को देखते हुए केवल सच न्यूज के माध्यम से मैं पत्रकार सागर कुमार अपने पूरे केवल सच परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ये जो भागलपुर बम ब्लास्ट में जो निर्दोष परिवार जो ब्लास्ट से घायल हुए हैं, जिनके परिवार बिखर गए हैं, उनको त्वरित जल्द से जल्द उनको मुआवजा प्रदान किया जाए, उनको घर दिया जाए, उनको उनकी व्यवस्था की जाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए केवल सच न्यूज। मैं सागर कुमार, भागलपुर।